घोसी तहसील परिसर में गुरुवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सावंत कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने आगामी 13 सितंबर को आयोजित नीट जेईई की परीक्षा को स्थगित करने हेतु प्रधानमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी आशुतोष कुमार राय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा देश में तेजी से फैल रहा है। ऐसी भयावह परिस्थिति एवं संक्रमण की तेज रफ्तार में लाखों परीक्षार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एवं उन्हें मौत के मुंह में भेजने के समान है। ऐसी विकट परिस्थितियों में उनके जीवन का ध्यान रखते हुए प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित किया जाए। यूथ कांग्रेस यह मांग करती है कि उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लिया जाए, अन्यथा छात्र एवं उनके परिजनों के हितों के लिए यूथ कांग्रेस आंदोलन करने पर बाध्य होगी। साथ ही साथ यूथ कांग्रेस के लोगों ने नारेबाजी करते हुए विरोध भी जताया। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से गौरव राय, जहबी खान, सलमान इरशाद, आफ्ताब आलम, शशांक शाही आदि मुख्य रूप से रहे। सावंत कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जनपद में। आज कैसा ज्ञापन आया? हम लोगों ने नीट और जी परीक्षा जो सरकार कराने जा रही है उसको स्थगित करने के मांग में माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित SDM महोदय को हम लोगों ने सौंपा है। हम लोगों का मात्र एक ही सूत्री ज्ञापन था कि परीक्षा स्थगित कराया जाए, इसलिए कि पूरे देश में नहीं वरन पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज भारत में भी 35 लाख से ऊपर जो है कोरोना रोगी संक्रमित हो चुके हैं और जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मऊ जनपद में भी 50-60 की संख्या रोज बढ़ती जा रही है, जिस तरह के जाँच रिपोर्ट अखबारों में पढ़ने को आ रहा है। और इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पूरे देश से छात्र आएंगे और मुझे ये लगता है कि पूरे देश से जो भी छात्र आएंगे तो कहीं ना कहीं से हर जगह से संक्रमित उसमें छात्र भी आ सकते हैं, जिससे लोगों के जीवन को खतरा बढ़ सकता है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो आगे हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम लोग यूथ कांग्रेस से हैं और यूथ हमेशा जो है अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। और निश्चित रूप से हम लोग, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन और विरोध के माध्यम से अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि इस तरह की परीक्षाएं अभी आयोजित न की जाएं। जनहित को देखते हुए सरकार को भी चाहिए कि छात्रों के जीवन से खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि हम लोग भी अभी छात्र जीवन से ही निकल करके आए हैं और निश्चित रूप से सरकार के लोगों के घर में भी छात्र हैं और उनके आस पड़ोस में भी छात्र हैं, तो छात्रों के जीवन को हित में देखना चाहिए उनको।